आपके साथ है अमनशु और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे ममता, 8 फरवरी को लखनऊ में करेंगी वर्चुअल रैली। केंद्र का राज्य को पत्र, कोरोना जांच की संख्या में आ रही कमी, ढिलाई न बरते और रफ्तार बढ़ाए। दहलाने वाली की साजिश, खुफिया विभाग ने पुलिस से साझा की 9 पत्रों का अलर्ट, मानव रहित हवाई वाहनों पर लगा प्रतिबंध। शिक्षा के मंदिर में हैवान, जेएनयू के छात्रा को झाड़ियों में खींचकर दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की 6 टीमें। भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, लोगों को मतदान के महत्व के बारे में समझाएं, बताएं हर वोट कितना है जरूरी। बार गणतंत्र दिवस की परेड आधा घंटा देरी से होगी शुरू, इतिहास में ये पहली बार होगा। बिरजू महाराज 8 बार आए थे हरिद्वार, जयपुर घराने से ताल्लुक रखने वाले गोवर्धन महाराज से भी थी मित्रता। हरक सिंह ने कहा, हरीश वारवत मेरे बड़े भाई हैं, मांग सकता हूँ 100 बार माफी। मथुरा में भाजपा को झटका, मांगते टिकट ना मिलने पर ऐसे शर्मा ने दिया इस्तीफा, आवाज से उतारा बैनर। आजाद समाज पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, चंद्रशेखर बोले भाजपा को रोकने के लिए झोंकेंगे पूरी ताकत। और अब चलिए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। संभल में एक छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि ये पूरा मामला संभल के थाना क्षेत्र जुनावई के गांव धनसौली मोहरकम का है, जहां बीए सेकेंड ईयर के एक छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के घर वालों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा में एक गांव में 10वीं कक्षा के छात्रा को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। बता दें कि पूरा मामला अमरोहा का थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव गुरेठा खादर का है, जहां मृतक गणेश शर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक 10वीं कक्षा का छात्र था। बता दें कि मंगलवार की रात गणेश घर में सो रहा था, वहीं दूसरे कमरे में उसके दादा सो रहे थे, तभी किसी ने छात्र को गोली मार दी। बुधवार को सुबह उसकी बहन ने उसे देखा तो उसे खून में लथपथ पाया, जिसके बाद से बहन ने तुरंत 112 डायल पर मामले की सूचना दी। सीओ सतीश चंद्र मिश्रा के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों की सूचना के आधार पर महोली बाईपास पर 2 मिनी ट्रकों में गौवंश पकड़े गए। बता दें कि साथ ही एक ट्रक गौवंश को लेकर ड्राइवर फरार भी हो गया। बता दें कि मोहली कस्बे में आए दिन गौ सेवक और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्रतिबंधित पशुओं के व्यापारियों को पकड़ते हैं। इसी क्रम में बुधवार को गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर गौ सेवकों को जानकारी मिली कि दौरारा के गौवंश से लदी एक 3 मिनी ट्रक बनवारा रोड की तरफ से मोहली की तरफ आ रही है। सूचना जैसे ही मिली, फिलहाल प्रशासन फौरन हरकत में आ गया और सूचना मिलने पर नगर के गौ सेवकों और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बाईपास पर काले पशुओं से लदे 2 मिनी ट्रक को रोक लिया। उसी दौरान एक ट्रक काफी तेजी से फरार भी हो गया। मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस दोनों ट्रकों को कस्टडी में ले चुकी है। आगरा में एक संदिग्ध लूटपाट का मामला सामने आया है। बता दें कि इस लूट में बदमाशों ने तकरीबन 200 किलो चांदी की लूट कर हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि पूरा मामला आगरा के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां कार सवार बदमाशों ने स्विफ्ट डिजायर को ओवरटेक करके 200 किलो चांदी की लूट के वारदात को अंजाम दिया। बदमाश होंडा अमेजन में सवार थे और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी में बात सामने आई है कि एक कोरियर कंपनी से एक प्राइवेट गाड़ी में
करीब 200 किलो चांदी बताई गई है वो, और 1 लाख रुपये लेकर के कुरियर कर्मी कंपनी के कर्मचारी जा रहे थे। यहाँ पर रास्ते में एक और गाड़ी में, जिसका कुछ नंबर बताया गया है, उसको वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं, उस गाड़ी में 3-4 लोग थे। उन्होंने उस गाड़ी को रोक करके उसमें से वो चांदी अपनी गाड़ी में रखवा करके यहाँ से फरार हुए। वो घटना करीब 40-45 मिनट पहले की है। पुलिस की कई सारी टीमें गठित करके इस घटना से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनकी गहराई से छानबीन की जा रही है। कई जगहों पर इसके चेकिंग प्रारंभ हो गई है और इसमें आगे कार्रवाई चल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। पार्टियों और प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक तरफ पार्टियों को हार जीत की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को चुनाव शांति भंग होने की चिंता सता रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में चित्रकूट पुलिस ने CRPF टीम के साथ मिलकर चित्रकूट पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मणिकपुर के कस्बों और गांव में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने आम जनता से COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र और शांतिपूर्ण से मतदान करने की अपील की है। जालौन में बिजली की केबल में अचानक से आग लग गई। आनन फानन में स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलने पर तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से आग पर काबू पा लिया। चूंकि विद्युत बंच केबल ऊंचाई पर थी और आग भी दूर थी, इसलिए विद्युत कर्मियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में पत्रकारों को जान से मारने की धमकी मिलने लगे, उन पर अत्याचार होने लगे, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। देश में आए दिन पत्रकारों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूपी से एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि आगरा के इटमादपुर तहसील में अड़ूखेरी गाँव के कोटेदार पत्रकार के घर में जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। बता दे चले कि कोटेदार बौखला गया और पत्रकार से घर पहुंचकर उसे धमकी देने लगा। पत्रकार ने दबंग राशन डीलर की शिकायत थाना बहरन पुलिस को दी। पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पत्रकार हूं, मैंने आज से 3 दिन पहले एक खबर राशन डीलर जो कि जीतू ठाकुर की कवरेज की थी, वो भी काफी दबंग किस्म का डीलर है। वहाँ मैंने खबर कवरेज की, जनता बोल रही थी 1 यूनिट पर 2 किलो राशन डीलर कम देता है। इसी को लेकर के मैंने खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित हो जाने पर राशन डीलर आग बबूला हो गया और आज 2 दिन से लगातार वो मुझे और मेरा एक पत्रकार भाई अनिल चौधरी को ढूंढ रहा है। दारू पिला करके लड़कों को, 20 से 25 लड़कों को हमें मारने के लिए, हम घर से भाग चुके हैं, बेघर हैं, हमारे घर पे भी चक्कर लगा रहा है पुलिस प्रशासन। कोई सूत्रकार हूँ, मैंने आज से 3 दिन पहले एक खबर। यूपी के हमीरपुर जिले में चुनाव से पहले आज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि मामला हमीरपुर जिले के बिमवार थाना कस्बे का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक छत्तीसगढ़ के ट्रक को रोक लिया, जिसकी तलाशी लेने के पर ट्रक से 40 बोरियों में तकरीबन 8 क्विंटल गांजा छिपा कर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक में मौजूद 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी के 4 अभियुक्त मौका देख कर फरार हो गए। इतनी तादाद में अवैध नशीली गांजा मिलने से पुलिस खुद सख्ते में आ गई है। मामले का खुलासा करते हुए SP ने इस गैंग को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। साथ ही बता दें कि ये प्रदेश स्तर से गांजा सप्लायर है, जो 8 ट्रकों के माध्यम से उड़ीसा से गांजा की सप्लाई को यूपी कर लाते हैं। यहाँ गांजा महोबा पहुंचाना था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में से सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आचार संहिता के अनुपालन में
बीवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए इसमें से 2 अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ ये लोग, इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रायपुर में रह करके इस कारोबार को अंजाम देते हैं। वहाँ से ये विभिन्न जनपदों में भेजते हैं, बेसिकली उड़ीसा से ला करके फिर रायपुर लाते हैं। रायपुर से ये महोबा और आसपास पूरे बुंदेलखंड और कई प्रदेशों में ये गांजे का कारोबार करते हैं। इनके पास कई वाहन हैं, 8 ट्रकें पता चली हैं और भी गाड़ियां हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका पर्दाफाश हुआ है और इसमें दुर्ग विजय जो एसओ बीवार हैं इनकी टीम को 25,000 रुपये का इनाम प्रदान किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे गैंग के अनावरण के लिए लगातार कोशिश जारी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में झांसी के मऊरानीपुर में बुधवार को मोहल्ला शिवगंज में विधिवत अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ विधिवत चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि इस दौरान बिजली विभाग ने दर्जनों घरों में बिजली चोरी और ओवरलोड करने वाले अभियुक्तों के कनेक्शन भी काट दिए। मौके पर विधिवत SDO, JE सहित विधिवत लाइनमैन और विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर, आपके द्वारा जो आज चेकिंग का कार्य चल रहा है इसमें किन लोगों के ऊपर अभियान चलाया गया? ये मेन बेसिकली चेकिंग का नहीं है, ये हमारा फीडर क्लीनिंग का अभियान है जी। एक्चुअली क्या, अभी गर्मी आएगी तो लोड बढ़ेगा तो लोग इधर उधर से जुड़े हुए हैं, फिर ब्रेकडाउन होता है, सप्लाई नहीं आती है तो लोग दिक्कत आम जनता को ही होती है, समझ रहे हैं। अभी लोड कम रहता है इसलिए हमारे पास टाइम है कि आगे के लिए तैयारी कर सके, तो उसी की तैयारी चल रही है। अगर जनता को इसमें अच्छी सप्लाई चाहिए भविष्य में गर्मियों में, हमको उसके लिए अभी सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम दे पाएंगे, नहीं बाद में हंगामा करने से सब करने से कुछ नहीं होता। जिन लोगों के सर कटिया डले हैं उनको कोई कार्रवाई की जा रही क्या? कार्रवाई की कटिया उतराई जा रही है, सफाई की जा रही है, सब किया जा रहा है। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया।